أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس सदकल्लाहुल्अज़ीम। सूरह तहरीम आयत नंबर 6 तिलावत करदा आयत मुबारका के माना ये हैं कि ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन यानी जलाने की चीजें इंसान और पत्थर हैं। उस आग पर सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं जिन्हें अल्लाह जो हुक्म देता है उसकी नाफरमानी वो हरगिज नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाए पूरे ईमानदारी के साथ बजा लाते हैं। हाजरीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला ईमान की दौलत से सरफराज फरमाने के बाद भारी जिम्मेदारी ये दी है कि अपने ईमान का तहफ्फुज करे, अपने ईमान को कमजोर पड़ने से बचाए, ताकि जिस मिशन, जिस तहरीक और जिस टारगेट को मुकम्मल करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है, इबादत, बंदगी और परस्तिश, उसे पूरे तौर पर एक मोमिन बंदा बजा लाने की सादत हासिल करता रहे। हाजरीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला की इताअत, फरमा बरदारी का सच्चा जज्बा एक मोमिन बंदे को दीनदार और परहेजगार बनाने में बड़ा मददगार बनता है, और अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी, रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ जिंदगी बसर करने का जज्बा ये इंसान को किसी ना किसी हैसियत से बेचैन कर देता है, उसकी तबीयत में गिरानी और परेशानी लाहक इसी वजह से होती है कि वो अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ जिंदगी बसर करने में मसरूफ है। इबादत, बंदगी का सच्चा जज्बा,
ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला के फजल व करम पर मुनहसिर है, और जिन पर अल्लाह का फजल ना हो, अल्लाह ताला करम ना फरमाए, तो फिर वो इसी इबादत और इसी बंदगी को बोझ समझते हैं। हाजरीन मोहतरम, हमारी इबादतें क्या, हम क्या? मैं एक मुसनद इमाम अहमद रहमहुल्लाह की मशहूर हदीस जो हज़रत उदबा बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जो 17924 हदीस नंबर है, हुजूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमा रहे हैं, उस इरशाद की रोशनी में हमें देखना है कि हमारी थोड़ी बहुत टूटी फूटी इबादतें क्या हैसियत रखती हैं। हुजूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी पैदाइश के दिन से अपने मरने तक बराबर अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह को खुश करने के लिए सजदे की हालत में पड़ा रहे, तो फिर क़यामत के दिन अपने इस अमल को वो बहुत ही थोड़ा और मामूली समझेगा। अब जिस इंसान की पैदाइश से लेकर मरने तक अल्लाह की रजामंदी के लिए हालत सजदा में गुजारने के बाद क़यामत में जाकर उस अमल के अजर सिले को बदले को जब देखता है, इतना सब कुछ करने के बाद पछताता है, लरसता है कि हाय मेरी तो ये बहुत थोड़ी इबादत थी, तो फिर आप हम सोच लीजिए 11 महीने के बाद जब रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आता है तो थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि चलो इबादत वाला महीना आया। फिर 12 महीनों में उन 11 महीनों का हिसाब कौन देंगे, वो गफलतों का हिसाब किसे देना पड़ेगा, ये सोचने की ज़रूरत है। हम क्या, हमारी इबादतें क्या? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक एक फरमान बिल्कुल बरहक है। यकीनन जब तक इंसान का ईमान मजबूत ना हो, जब तक इंसान का बिलीव स्ट्रांग ना हो, उस वक्त तक वो इबादत बंदगी में अपने आप को मसरूफ हरगिज नहीं रख सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं कि ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ये एक मोमिन बंदे की भारी जिम्मेदारी है, बड़ी रिस्पांसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाने के जतन करता रहे। मेहनत, मशक्क़त और हार्ड वर्किंग सिर्फ और सिर्फ दोज़ख की आग से बचाने के लिए होनी चाहिए, चाहे वो दुनिया का काम हो, चाहे वो आखिरत का काम हो। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात याद रखिए, जहन में बिठा लीजिए कि चाहे दौलत दुनिया की हो या ईमान की हो, इंसान की नींद छीन लेती है। अगर दुनिया परस्त है तो दुनिया बटोरने में, दुनिया जोड़ने में अपनी नींद चैन सब कुर्बान कर देगा, जो सिर्फ नुकसान का बायस है, हलाकत का बायस है, रुसवाई और अजाब का बायस है। लेकिन इसके मुकाबले में ईमान की दौलत मिलने के बाद जो नींद छीन ली जाती है, वो ईमान की दौलत उसे नजात दिलाने वाली है, आखिरत का सुकून दिलाने वाली है, आखिरत की हमेशा की कामयाबी दिलाने वाली है। तो यकीनन हमें ईमान की दौलत के हिसाब से, ईमानदार घरानों में पैदा हुए हैं, मोमिन है, नाम के मोमिन है तो अमल के मोमिन बनकर बताना है, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाना है।
दुनिया की दौलत हाथ का मैल है, यही खत्म होने वाली, कितनी बड़ी। मुझे ऐसा कौन सा फर्द है बताइए कि जिसके अकाउंट में करोड़ हर रुपये हो, मिलियन बिलियन रुपीस हो, सब कुछ हो, मौत आ जाए और उसके बाद उसका कफन कीमती हो। नहीं, कफन तो वही होगा जो आम मोमिनीन का होता। तो इस हिसाब से हमें जो जिंदगी मिली है, इस मिली जिंदगी को इबादत और बंदगी में लगाना ही असल अकलमंदी है। सबसे बड़ी होशियारी यही है कि मिली हुई जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के मुताबिक गुजार कर अल्लाह को राजी और खुश करना और दोज़ख की आग से बचने के जतन करना। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान जैसा कि कहा जाता है कि हर मर्ज़ की इलाज है, हर मर्ज़ का इलाज है, लेकिन ये भी जहन में रखिए कि लिकुल्ली दाइन दवाउन इल्लल मौत। हर चीज की दवा है, हर मर्ज का इलाज है सिवाय मौत के। मौत के लिए कोई इलाज नहीं, मौत के लिए कोई स्टे नहीं, मौत के लिए कोई ऐसा नुस्खा नहीं है कि उसे इस्तेमाल करे और बच जाए। ये दुनिया, दुनिया की सारी चीज़ें, सब कुछ आरजी, ख्यालात भी, हालात भी, जज्बात भी, ताल्लुकात भी, मंजर भी, और हत्ता कि दुनिया भी, सब आरजी। अब जो दायमी है, हमेशा है, वो है आखिरत, आखिरत का ठिकाना, आखिरत की जजा, बदला या सजा और अजाब, सवाब और अजाब दोनों भी हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मुख्तसर सी दुनिया में मेहनतें करते हुए, कोशिशें करते हुए दायमी जिंदगी के अजाब से बचने की मोमिनों को दावत दे रहे हैं कि ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को, अपने घर वालों को दोजख की आग से बचा लो। यकीनन जिंदगी की सारी भाग दौड़ अगर एक मोमिन बंदे की रमज़ानुल मुबारक जैसी पाकीज़ा और इबादत वाले हों, तो खुदा की कसम उसकी मौत और उसकी आखिरत ईद जैसी हो जाएगी। यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया थे कि लौ यालमुल इबाद, लोग अगर जान जाएं कि माफी रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक में क्या क्या अजर सिला बदला अल्लाह ने रखा है, इबादतें कौन सी है, तो लतमन्नत, मेरी उम्मत तमन्ना करेगी, लतमन्नत उम्मती अंतकुन सनतकुल्लहा रमज़ान, तो मेरी उम्मत तमन्ना करेगी, आरजू करेगी, कोशिश करेगी कि पूरे का पूरा साल रमज़ान जैसा हो। तो रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक की तरह पाकीज़ा और इबादत वाला पूरा का पूरा साल बनाने के लिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी भाग दौड़ को रमज़ानुल मुबारक जैसी पाकीज़ा बना लें। यकीनन इसके लिए हम अपने आप को, अपने घर वालों को तरबियत दें, ट्रेनिंग दें, इस बात की ट्रेनिंग दें कि इस्लाम क्या सिखाता है, इबादत और बंदगी किस लेवल की होनी चाहिए, हमारा स्टेटस क्या है और हम इबादत कैसी कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात कान खोलकर सुन लीजिए कि अपनी औलाद को, अपने घर वालों को दीन न सिखलाना, परहेजगारी न बतलाना उन्हें कत्ल करने से बड़ा जुर्म है। तो अपने आप को, अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाने के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि हम तख्वा क्या होता, परहेजगारी किसे कहते हैं, बच बचा कर इस दुनिया से आखिरत में कैसे एंट्री लेना है, इसके लिए हमें रुजू करना है। एक चीज़ है जो सबसे बड़ा मददगार है, वो कुरान अज़ीम। इस कुरान को थाम लीजिए, इस कुरान को पकड़ लीजिए, इस कुरान की तालीमात को प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लीजिए, तो खुदा की कसम दोज़ख की आग और दोज़ख से हम
इंशाअल्लाह अज़ीज़ आसानी के साथ बच सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, काम एक्टिविटी दुनिया का हो या दीन का, आखिरत का हो, काम में शफाफियत होनी चाहिए, साफ दिली, यह दिल पाक होना, यह खाने खुदा एकदम नीट क्लीन होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। जब यह दिल पाक होगा तो वो दुनिया का भी काम होगा तो आखिरत के सच्चे जज्बे के तहत किया जाएगा। आखिरत का होगा, दीन का होगा तो सिर्फ इस जज्बे से होगा कि दोज़ख की आग से बचने का जरिया बन जाए। एक मर्तबा हुजूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मशहूर सहाबी हजरत मआज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाए कि ऐ मआज़, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल न बताऊं जिसको तुम इख्तियार अगर कर लेते हैं तो उसके बाद बगैर किसी हिसाब और किताब के डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। हजरत मास अर्ज किए कि या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, जरूर बताइए वो कौन सा अमल है जो बगैर हिसाब और किताब के हमें जन्नत में दाखिल करवाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि देखो मास, अमल तो बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल करवाएगा लेकिन वो अमल मामूली नहीं है, आसान नहीं है, मशक्कत वाला, मेहनत वाला, हार्ड है। क्या तुम कर सकोगे? अगर तुम कर सकोगे तो बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। हजरत मास अर्ज किए कि या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, क्यों कर नहीं, जरूर करूंगा, मुझे वो अमल तो बताइए। फिर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाए के ऐ मास, वो मशक्कत वाला, वो मुश्किल तरीन काम एक बार, बार बार नहीं, हर बार मुसलसल करने का है। जिंदगी के हर मामले में हर वक्त वो अमल करना है। अगर तुम उस अमल को इख्तियार कर लोगे तो यकीनन तुम बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। हजरत मास बेताब हो गए, अर्ज की कि या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, मुझे जल्द से जल्द वो अमल बताइए जो बिला हिसाब किताब जन्नत में पहुंचाने वाला है। मशक्कत वाला जरूर है लेकिन मैं मशक्कत उठा लूंगा, मुसीबत वाला जरूर है लेकिन मैं मुसीबत कर लूंगा, लेकिन प्यारे नबी मुझे वो बात बताइए, वो अमल बताइए जो बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करने वाला है। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं के मास, अपने दिल को हर एक के लिए शीशे की तरह साफ और शफाफ रख लो, बगैर हिसाब किताब के तुम जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। सुभान अल्लाह, यानी हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक, हुकूकुल इबाद, बंदों के दूसरे बंदों पर हुकूक, ये दो हुकूक में किसी तरह की कमी, बेशी, ज्यादती हो जाती है तो फिर समझ लीजिए कि अल्लाह गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक को सही तौर पर आदमी उसी वक्त पूरे तौर पर अदा करने के काबिल हो जाएगा जब उसका ये दिल आईने की तरह, शीशे की तरह साफ और शफाफ हो जाए। यकीनन मेरे भाइयों, ये रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना हमारे सर पर खड़ा है, कमाने का महीना है, कमाइयों का मौसम आ रहा है। अब आप बताइए कि एक बिजनेस माइंड इंसान, जब कमाने का जमाना आता है, बिजनेस का जमाना आता है तो कितना प्रिपेयर होता है, कितनी तैयारी करता है, माल कितना अच्छा अच्छा रखता है, कितना अच्छा सजाता है,
और उसके बाद इंतजार करता है कि कौन आता है मेरा माल खरीदता है। और रमजानुल मुबारक ये मुकद्दस महीना है, तो वो कमाने वाला सारी चीज़ों को भूल जाता है, कई एक्टिविटीज़ को अपने पोस्टपोन कर देता है, मुलतवी कर देता है। रमजानुल मुबारक का ये मुकद्दस महीना भी जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाला है, हमें यही बताया जा रहा है कि ये इबादतों का महीना है, इसको तुम इबादतों के लिए खालिस कर लो, इबादतों के लिए उठा कर रख लो और ट्रेन हो जाओ, ताकि फिर इस मुकद्दस महीने में जब तुम ट्रेन हो जाएंगे तो उसके बाद रमजानुल मुबारक के बाद जो 11 महीने हैं, उम्मत जो तमन्ना कर रही है, तो हम भी उम्मती हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम है, तो हमारा भी ये काम बनता है कि 11 महीनों के लिए रमजानुल मुबारक की तरह ही 11 महीनों को गुजारने के लिए, परहेजगाराना और मुत्तकियाना जिंदगी बसर करने के लिए अपने आप को ऐसे ट्रेन कर ले, ऐसे परफेक्ट बना ले कि 11 महीनों में भी रमजानुल मुबारक के मुकद्दस इबादतों के तुफैल में जो पाकीज़गी मिली, जो तख्वा नसीब हुआ, जो परहेजगारी हमारे हिस्से में आई है, उसे बचाते हुए संभालते हुए 11 महीनों में अल्लाह की इबादत और बंदगी करते रहे। कुछ किए जाओ लेके नामे खुदा, कुछ ना करना बड़ी खराबी है। कुछ किए जाओ लेके नामे खुदा, कुछ न करना बड़ी खराबी है। कामयाबी कुछ और चीज़ नहीं, काम करना ही कामयाबी है। यकीनन अल्लाह तबारक व ताला काम करने के लिए इस दुनिया में भेजा है, तो काम वो हो, एक्टिविटी वो हो, अमल वो हो जो अल्लाह को खुश करने वाला हो, राजी करने वाला हो, दोजख की आग से बचाने वाला हो। तो मेरी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि अपने आप को, अपने घर वालों को दोजख की आग से बचाने के लिए इस्लामिक कैरेक्टर को, इस्लामिक तर्ज़ ज़िंदगी को इख्तियार करते जाएं, परहेजगाराना मुत्तखियाना जो ज़िंदगी, और ये मुत्तखियाना और परहेजगाराना ज़िंदगी सिर्फ उसी सूरत में मिलती है जो मेरे आखा ने हज़रत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताई। दिल को पाक रखना है, दिल को इंतहाई साफ और शफाफ रखना है, ताकि पाक तरीन हस्ती अल्लाह रब्बुल आलमीन इस घर में, इस दिल में आ बसे, अपना ठिकाना बनाए। ये नहीं कि अगर इसमें मिलावट है, इसमें नापाकी है, तो पाक तरीन ज़ात अल्लाह का नाम, अल्लाह के का शौक़, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत कुछ भी इस दिल में आने वाली नहीं। तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि इलाहल आलमीन तो हमें इस बात की तौफीक अता फरमा कि हम अपने आप को, अपने घर वालों को दोजख की आग से बचाने के लिए, मुत्तखियाना और परहेजगाराना ज़िंदगी बसर करने के लिए तुझसे फरियाद करते हैं, तुझसे भीख मांगते हैं, दिल की पाकी की, दिल की सफाई की, पाकी की भीख मांगते हैं कि हमारे दिलों को तो पाक और साफ फरमा दे। हमारे दिलों में जो मैल कुचैल गुनाहों का, वो सारा निकाल फेंक दे, हमारी मदद फरमा, हमारी नुसरत फरमा, ताकि हम रमजानुल मुबारक की इबादतों बंदगियों को कमा हक़्क़हु इख्तियार करते हुए अगले 11 महीनों में रमजानुल मुबारक जैसी जिंदगी बसर करने की सआदत हासिल करे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।